चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मैदानी अमला जहां प्रचार प्रसार सामग्री हटाने में जुटा है, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर बैठकें आयोजित कर निर्देशों के पालन कराने को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने आचार संहिता लागू होने के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। 2 नवंबर को नाम वापसी की जाएगी तथा 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा एवं 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन की प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूर्ण की जाएगी। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र 193 झाबुआ में कुल 312,749 मतदाताओं में 9,692 मतदाता 18 वर्ष के, 906,471 मतदाता 20 से 29 वर्ष के, 3,528 मतदाता 80 से अधिक वर्ष सहित थर्ड जेंडर के 17 मतदाता हैं। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। मैंने आदेश जारी किए हैं, वो ब्रीफ में आपको बताऊंगा, आदेश कॉपी भी आपको शेयर करेंगे। एक तो सबसे पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ में जो संपत्ति विरुद्ध कार्रवाई है वो पूरे जिले में हमारी जो टीम बनी है संपत्ति विरूपण के लिए वो कार्रवाई चालू कर दी है। आपने देखा भी होगा सभी नगरीय एरियाओं में और ग्रामीण एरियाओं में जो शासकीय प्रचार प्रसार के पोस्टर बैनर लिखा पड़ी राजनीतिक लोगों के फोटो बैनर जितने भी थे वो सारी कार्रवाई हटाने की प्रक्रिया चल रही है और इसको हम लोग रात तक और कल सुबह तक उसको हटा लेंगे। जैसे आयोग के निर्देश रहते हैं कि 24 घंटे में इस तरह की सामग्री को हटाना अनिवार्य है और कुछ कार्रवाइयां हमको 72 घंटे तक इसमें करनी होती हैं, तो जो बची कुछ कार्रवाइयां हैं वो हम लोग अगले दिन तक पूरा इसको संपत्ति कार्रवाई कर लेंगे। इसमें दूसरा एक आदर्श आचार संहिता के बाद में कोई भी दल बिना अनुमति के रैली सभा जुलूस इत्यादि नहीं करेंगे, इसका एक हमने आदेश जारी किया हुआ है, अनुमति लेकर के ही करेंगे। यदि जिला स्तर कोई अभ्यर्थी कोई भारत का जो स्टार कैंपेनर बोला है इसको या बड़े पॉलिटिकल लोग यदि एक विधानसभा से दूसरी तीन तीन विधानसभा को करेंगे तो उसकी अनुमति हमारे यहाँ जिला स्तर से एडीएम द्वारा दी जाएगी और यदि विधानसभा क्षेत्र में कोई सभावार जुलूस होगा तो उसकी अनुमति आपके एसडीएम द्वारा दी जाएगी। आयोग के किस प्रकार के निर्देश आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, किस प्रकार के अपील करना चाहेंगे? आज जैसे 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त की ओर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसमें आयोग की जो निर्देश है उसके तहत में पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकारी कर्मचारियों के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए जो आदर्श आचार संहिता है क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें सारे अधिकारी कर्मचारियों की जिले की मैंने सुबह बैठक लेकर के उन सभी को अवगत करा दिया गया है। इसके साथ साथ में जो आयुक्त की जो मंशा के अनुरूप आज शाम को 5 बजे सभी पॉलिटिकल पार्टी की बैठक बुलाई गई है, उनको भी ये अवगत कराया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज आप सभी के साथ में मीडिया के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के साथ में एक मीडिया वर्कशॉप भी हुई है, जिसमें पूरे ज़िले में सबसे पहले जो संपत्ति विरूपण की कार्रवाई है वो पंचायतों में नगरीय निकायों में सभी जगह आचार संहिता लगते ही प्रारंभ हो गई है। ज़िले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। जिले का जो 6 विधानसभा हैं, 6 विधानसभाओं में 6 जो आरओ हैं वो सभी इसी नवीन कलेक्टेड ओवर में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। पूरी कार्रवाई यहीं पर होना है। इसके साथ साथ में जिले में जो मतगणना स्थल है, जो पीजी कॉलेज है, वहाँ पर से सामग्री का वितरण होगा, प्राप्ति होगा, मतगणना भी उसी स्थल पर होगी। जिले में 1541 मतदान केंद्र हैं और 14,42,007 मतदाता हैं। इनके मतदान की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए जो आयोग के निर्देश हैं इसमें स्वीप एक्टिविटीज लगातार जारी रहेंगी और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो भी प्रदर्शन हो रहा था ईडीसी के माध्यम से वो आज से बंद कर दिया गया है। अब कोई ईवीएम के माध्यम से प्रचार प्रदर्शन नहीं होगा, अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही जो पार्टी के लोगों से अपील करेंगे कि इसमें आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए ही विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ सभाएँ जुलूस आदि वो करें। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो आदेश हैं जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किए जाने हैं वो आदेश मैंने जारी कर दिए हैं। पूरे जिले में
धारा 144 लागू की गई है, जिसमें विभिन्न प्रतिबंध उसमें लगाए गए हुए हैं। बिना अनुमति के कोई रैली, जुलूस, सभा आदि नहीं होगी। साथ ही साथ जो जिले में जितने शस्त्र लाइसेंस हैं वो सब सस्पेंड कर दिए गए हैं और उनको 3 दिवस में शस्त्रों को जमा करने के लिए थानों में निर्देशित किया गया है। पूरी तैयारियां जिले में सुचारू रूप से करने के लिए सारी टीम को एक्टिवेट किया हुआ है और आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए निर्भीक तरीके से लोग मतदान कर पाए, निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी हो, इसकी पूरी व्यवस्था जिले में की जा रही है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।